चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के बारे में। याद रखिए, ई दृष्टि निकालता है ना, आपका यूपीपीसीएस का पेपर होता है उस समय निकालता है। और वैसे ये बुक्स सभी एग्जामों के लिए जरूरी है, फिर चाहे आपका किसी भी में करंट अफेयर्स जहां भी पूछा जाता हो वहां सबके लिए। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके थे, विधिक परिदृश्य भी आपका खत्म कर हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग था करंट अफेयर्स का, उसे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ए अगर आप यूपी के हैं और आप यूपी के एग्जाम किसी तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम की, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, छोटी ही क्लास है आपकी। फिर आप बात करनी है हमें संक्षिप्तियों के बारे में। इसमें जैसे चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल हो गए, संघ संगठन हो गए, योजनाएं हो गई, परियोजना हो गई, ऑपरेशन हो, अभियान हो गए, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द शब्द संक्षेप, और भी कुछ भी जो भी होगा इसमें 2019-20 में जो भी आपकी घटनाएं घटी, जो भी रहा है, उन सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं वो सभी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपका चर्चित जो भी व्यक्ति रहे हैं 2018 19 20 तक, जो भी जब तक हैं शामिल किए गए हैं, उन सभी को हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्लास में आपके चर्चित व्यक्ति कवर हो जाएं, यही कोशिश है मेरी, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो पुरानी जो हम लोगों ने 2019 में आपकी कवर की थी उसे भी पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आपका करंट पुराने साल का पूछने की संभावना है, 2019 के शुरू के साल में, क्योंकि आपने देखा है 2020 में कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है ना, लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के कारण। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय व्यक्ति। राष्ट्रीय व्यक्ति तो आपने देखा होगा कि प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया है। 31 अगस्त 2020 को हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी, और याद रखिए इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, समझ रहे हैं, तो भारत रत्न भी मिला हुआ था। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक 13वें राष्ट्रपति थे। किस नंबर के थे? 13वें राष्ट्रपति थे। आपसे देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी डेथ कब हुई, और वैसे इनकी बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की थी, तो बायोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी आपके नेताओं की बायोग्राफी कवर की। तो इसमें 13वें राष्ट्रपति थे और 2012 से 2017 तक रहे। वह जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक और 1982 से 1984 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। तो आप समझ सकते हैं दो बार वित्त मंत्री भी काम संभाला है उन्होंने। इसके अलावा 2004 से 2006 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे, 1995-96 और 2006 से 9 तक विदेश मंत्री भी रहे हैं। यानी कि कई कह सकते हैं आप लोग कि देख, वित्त मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, आप सोचिए विदेश मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भी रहे हैं। या तो इस तरह से कथन पूछ लेगा आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में कि प्रणब मुखर्जी के बारे में सही कथन है, नीचे चार कथन दे दी गई, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये विदेश मंत्री भी रहे हैं, ये वित्त मंत्री भी रहे, ये रक्षा मंत्री भी रहे, और नीचे दे देगा आपको कि एक दो तीन सही है, दो चार सही है, या एक दो तीन चार सही है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। वर्ष 1991 से 1996 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। अब आप जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है, पहले ये योजना आयोग था। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, देखिए थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए, सर्च करिए। 2019 में जब इन्हें देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न किसके साथ दिया गया था, दो लोग, वो कौन दो लोग हैं जो जिन्हें इनके साथ भारत रत्न दिया गया था, नीचे लिखिए आप लोग। फिर आपने देखा होगा कि सत्यपाल मलिक ये भी चर्चा में रहे हैं। गोवा के राज्यपाल स्थानांतरित होकर मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए 18 अगस्त 2020 को। तो पहले ये गोवा के राज्यपाल थे, अब मेघालय के नए राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए आप पढ़ते रहते हैं ना कि एक मतलब एक व्यक्ति दो से दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। आनंदीबेन पटेल को भी ले लीजिए आप लोग, मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो ये भी पूछे कि अगर गोवा का राज्यपाल किसने पदभार संभाला हुआ है, तो ये
साथ में महाराष्ट्र का भी संभाल रहे हैं और गोवा का भी। कौन? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। फिर आपने सुना होगा पंडित जसराज, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक, न्यू जर्सी में यूएसए में इनका निधन हो गया। कब? 17 अगस्त 2020 को। वह मेवाती घराने से संबंधित हैं। उन्हें 1995 में पद्मश्री दिया गया था, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पीछे आप लोगों ने इनके बारे में और भी जानकारी थी, पढ़ी थी, आपको याद होगी किससे संबंधित थी, नीचे लिखी आप लोग क्या पढ़ा था इनके बारे में। फिर आप देखें कि गिरीश चंद्र मुर्मू, पूर्व आईएएस अधिकारी एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली है इन्होंने 8 अगस्त 2020 को। तो याद रखिए, पहले क्या थे कि जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग किया गया, उस समय जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, इसके राज्यपाल उपराज्यपाल थे। लेकिन इसके बाद अब इन्हें देश के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इस पद पर उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। पहले राजीव महर्षि थे इसके, उन्हें अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर मनोज सिन्हा, आपने देखा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं 7 अगस्त 2020 में। कौन? मनोज सिन्हा। इस पद पर उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। लालजी टंडन, ये भी चर्चित रहे हैं, आपने को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, इनका 21 जुलाई 2020 को डेथ हो गई, इनकी निधन हो गया है। 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के भी राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इनके कार्यकाल में ही एक तरह से निधन हो गया इनका। फिर आपने सुना होगा रोशनी नरार मल्होत्रा, देश की प्रमुख आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। 17 जुलाई 2020 को इन्होंने ये पदभार संभाला है। एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है, ये पहले नंबर की ऐसा करने वाली महिला है। ठीक है, फिर आपने सरोज खान के बारे में भी सुना होगा, प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरोज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किससे संबंधित थी? तो याद रखिए, बॉलीवुड कोरियोग्राफर से संबंधित थे। 3 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ है। उन्हें 2003 में देवदास और 2006 में सिंगारम और 2008 में जब भी मेट फिल्म हेतु सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, देवदास। फिर आपने एक नाम सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का, भी नाम भी चर्चा में भी रहा है अभी, सीबीआई केस, इनके जो भी डेथ हुई है सीबीआई के पास वो मामला है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन 14 जून 2020 को हुआ है। उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म है काय पोछे, उनकी अंतिम फिल्म है दिल बेचारा 24 जुलाई 2020 को ओटीटी पी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। तो याद रखना इनके बारे में भी। फिर आपने देखा होगा कि अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन 29 मई 2020 को हो गया है। वह 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 के मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फिर आपने देखा होगा ऋषि कपूर, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता, निर्देशक का मुंबई में निधन हो गया 30 अप्रैल 2020 को। वह ल्यूकीमिया से पीड़ित थी। फिल्म बॉबी के लिए वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इन्हें। बाल कलाकार के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर में अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। कौन? ऋषि कपूर। ठीक है, आगे है आपका इरफान खान, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का मुंबई में निधन हुआ। कब? 29 अप्रैल 2020 को। वे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आप लोगों ने देखी भी होगी। उनकी प्रमुख फिल्मों में बात करें तो हासिल, मकबूल, लाइफ इन ए मेट्रो हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, कारवान, डी डे, मदारी, पीकू, जुरासिक वर्ल्ड, तलवार, हैदर के बाद द लंच बॉक्स और अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम है इन्हीं की और अंग्रेजी मीडियम भी। ठीक है, फिर आपने सुना होगा संजय कोठारी,
देश के नए मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण ली इन्होंने 25 अप्रैल 2020 को। यानी कि कहने का मतलब है कि संजय कोठारी हमारे देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। इस पर उन्होंने केवी चौधरी का स्थान लिया है। किसका? केवी चौधरी का। बिमल जुल्का ये पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव हैं, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कब? 6 मार्च 2020 को। इस पद पर उन्होंने सुधीर भार्गव का स्थान लिया। इसके साथ ही अमिताभ पांडोवे सूचना आयुक्त नियुक्त किए हुए हैं। फिर आपके राजीव बंसल एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक बने हैं 17 फरवरी 2020 को। इस पद पर उन्होंने अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है। किसने? राजीव बंसल ने। पर आपने सुना होगा कि डॉक्टर आर के पचौरी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद दा एवं द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख थे। इनका इनकी डेथ हो गई, यानी कि निधन हो गया। कब? 13 फरवरी 2020 को। वह वर्ष 2000 से 2015 तक संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी के चेयरमैन रहे हैं। कब से? 2002 से 2015 तक। उनके कार्यकाल के दौरान आईपीसीसी को वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये कौन है? डॉक्टर आर के पचौरी। पर एक नाम है प्रोफेसर सुरेंद्र चंद शर्मा, नई दिल्ली स्थित एम्स के कान नाक व गला विभाग के प्रोफेसर थे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कब? 2 जनवरी 2020 को। फिर आपके जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहले अभी ही बनाया गया है कुछ दिन पहले, तो 1 जनवरी 2020 को इन्होंने ये पद संभाला है, ठीक है, जनरल बिपिन चंद रावत ने। याद रहे कि 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 स्टार जनरल के रैंक में सीडीएस का पद सृजित करने की मंजूरी दी थी, ठीक है। पर आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने केंद्र सरकार द्वारा देश के थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 1 जनवरी 2020 को। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आगे बात करते हैं हम लोग। इस पद पर उन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। पर आपने एक नाम सुना होगा टीएन सेशन, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं पूर्व कैबिनेट सचिव का चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया 10 नवंबर 2019 को। वह 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। उन्हें वर्ष 1996 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार सरकारी सेवा श्रेणी में से सम्मानित भी किया गया है। देखिए एमबीबीएस नहीं, आजकल बड़े तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख नहीं रहे कि खाने में भी आजकल तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं जो हम लोगों ने देखे ही ना हो। इसी तरह के क्वेश्चन भी आप आजकल तरह तरह के पूछे जा रहे हैं। अब एमपीपीएससी में मैंने कुछ ही अभी आपका पेपर सोल्व करवाया था कुछ दिन पहले 2019 का, तो उसमें पूछ लिया कि पहले पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, या फिर पूछ लेता है कि पहले इस तरह की, मतलब आप सोचिए क्वेश्चन जिस तरह की हम उम्मीद नहीं लगा सकते। कभी पूछ लेता है कि इस समय का, अभी का नहीं वहां अध्यक्ष पूछता था उसका विधानसभा, पिछला अध्यक्ष पूछ लिया, उससे पिछला भी पूछ लिया। तो क्वेश्चंस आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा जब भी कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा कि अगर आता है क्वेश्चंस किसी भी तरह का तो आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएं। अब देखिए यूपीपीसीएस का और आईएएस का पेपर उठा लीजिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कम से कम 4 से 5 साल 6 साल के क्वेश्चन पेपर लगाया करिएगा अगर बेहतर स्कोर करना है तो। अभी मैं देख रहा था कि पिछली बार का आप देखिए, कोई कोई इंडेक्स आपका 2017 का पूछ लिया, मतलब 1-2 साल छोड़ के 2 साल पीछे का पूछ लेता है। तो ये बड़े मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो मुझे लगता है इस तरह पढ़ाना पढ़ना चाहिए कि आपको 2 साल बाद भी कुछ याद बना रहे, समझ रहे हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा राधा कृष्ण माथुर, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नवगठित जो केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी इन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को। तो याद रखिए राधा कृष्ण माथुर के बारे में। फिर आपने सुना होगा कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पद इन्होंने ग्रहण किया है 18 नवंबर 2019 को। 23 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल है। तो ये 47वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 47वें नंबर के सीजीआई, ठीक है।
एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है उन्होंने, किन्होंने, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 30 सितंबर 2019 को। इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का स्थान लिया है। एक चर्चित व्यक्ति हैं अरुण जेटली साहब, मुझे लगता है कि इन्हें आप लोग सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री साहब का निधन हो गया 24 अगस्त 2019 को। वह 14 मई से 2019 तक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री भी रहे हैं। इनकी स्मृति में 12 सितंबर 2019 को दिल्ली के पूर्वसाय कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो इसे पॉइंट को भी याद रखना, जैसे फरोसाए कोटला स्टेडियम आप लोग नाम जानते थे, अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानेंगे उसे। देखिए सुषमा स्वराज, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पहले से पता हो, जैसे कि हम अगली बार हम चुनाव मतलब नहीं लड़ेंगे, मैं मतलब कुछ हो जाए, तो आप देखिए कि इनका इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। सुषमा स्वराज का देख लीजिए आप लोग, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। ये भी सोचते होंगे कि काय को सीट खाली होगी, फिर खर्च होगा, तो इन्हें टेंशन होगी। वरिष्ठ भाजपा नेत्री और पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ 6 अगस्त 2019 को। वह 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक देश की वित्त मंत्री भी रही हैं। वह इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, इससे पहले विदेश मंत्री का पद किसने ग्रहण किया था? इंदिरा गांधी ने। वे अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो याद रखिए, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री और दूसरी महिला विदेश मंत्री रही हैं। चलते हैं आगे हम लोग। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर, फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। अगस्त 2019 में वह हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्य भी कर रही हैं। शालिजा धामी, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति भी नियुक्त किए गए हैं जिन्हें, इन्हें भी देख लेते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती है। पहले देखिए आपका क्या रहता था कि बता दिया जाता था कि हाँ इनमें से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है, लेकिन आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कह भी नहीं सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। ठीक है, राजीव कुमार केंद्र सरकार द्वारा देश के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं 21 अगस्त 2020 को। तो हमारे अभी नए चुनाव आयुक्त कौन है? ये है आपके राजीव कुमार। राकेश अस्थाना केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक चुने गए हैं 17 अगस्त 2020 को। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग की UPSC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 7 अगस्त 2020 को। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रोफेसर प्रदीप कुमार के बारे में तो सुनते ही होंगे, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग UPSC PCS अधिकारियों की बात मतलब तैयारी करते हैं ना। आप लोगों को बताना है आपके स्टेट की जो भी PCS की तैयारी करें उसके अध्यक्ष कौन चुनते हैं अभी करंट में। ठीक है, जब भी आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग नीचे लिखिए। शशिधर जगदीशन RBI ने HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक MD के रूप में इनके नाम को मंजूरी दी है 3 अगस्त 2020 को। डॉक्टर आलोक मिश्रा देश के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है 1 अगस्त 2020 को डॉक्टर आलोक मिश्रा ने। GP गर्ग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं अगस्त 2020 को। कौन? GP गर्ग। हार्दिक सतीश चंद साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव चुने गए हैं। कौन? हार्दिक सतीश चंद साय 30 जुलाई 2020 को। डॉक्टर पराग चिटनिस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिका के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक चुने गए हैं डॉक्टर पराग चिटनिस। कब? जुलाई 2020 में। सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं ये जुलाई 2020 में। इंजेति श्रीनिवास केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 6 जुलाई 2020 को। इंद्रमणि पांडे केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं 1 जुलाई 2020 को। वाइस एडमिरल
बिश्वजीत दास गुप्ता, पूर्व नौसेना कमान, विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है 12 जून 2020 को। गोविंद रजुलू ए चिंताला, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए 19 मई 2020 को। मनोज आहूजा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? मनोज आहूजा। कब? 12 मई 2020 को। ये डेट नहीं पूछेगा मुझे, देखिए इसके ये पूछ लेगा कि नए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा डेट इसलिए बता रहा हूं कि एक याद बना रहे। डीपीएस नेगी, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 6 मई 2020 को। कपिल देव त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं 20 अप्रैल 2020 को। श्रीकांत माधव वैद, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने 1 जुलाई 2020 को। आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मध्य प्रदेश की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण की है उन्होंने 1 जुलाई 2020 को। तो ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, डॉक्टर उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 22 जून 2020 को। रविंद्र भाकर, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है 29 जून 2020 को। बिनी महाजन, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है 26 जून 2020 को, बिनी महाजन ने। फिर आपने उदय कोटक का नाम भी सुना होगा, कोटक महिंद्रा के बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ, 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने उदक उदक कोटक ने जून 2020 में। अरुण सिंघल, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानव प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं अरुण सिंघल, मई 2020 में। बी विद्यापति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एआईसी की नई महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं मई 2020 में। तरुण बजाज, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं मई 2020 में। सुरेश एन पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार संभाला इन्होंने 29 अप्रैल 2020 को। यूवी प्रवीण राव, इन्फोसिस के मुख्य संचालन अधिकारी, वर्ष 2020-21 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं 6 अप्रैल 2020 को। अनुराग श्रीवास्तव, ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने 6 अप्रैल 2020 को। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किए, काफी चर्चा में भी रहे और बवाल भी हुआ था इसी को लेकर। ठीक है, कि इस तरह का काम, इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे पहले कांग्रेस के समय में भी इस तरह के नियुक्त किए गए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा मैं भी गलत मानता हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि आज अगर कोई न्यायाधीश है और उसे आशा हो कि हमें राज्यसभा सदस्य बना सकता है कोई, तो वो सरकार के पक्ष में कोई आप सोचिए कि निर्णय भी दे सकता है। और थोड़ी अभी आप समझिए, आपको कम से कम, हमें आपको भरोसा तो है आपके सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा उठा तो ये समझिए कि लोकतंत्र को मानना खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉक इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है 9 मार्च 2020 को। हितेश चंद्र अवस्थी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 4 मार्च 2020 को, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हितेश चंद्र अवस्थी। अजय भूषण पांडे, देश के नए वित्त सचिव चुने गए हैं 3 मार्च 2020 को। एस एन श्रीवास्तव, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त चुने गए हैं 2020 को। लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, भारत के महासर्वेक्षक चुने गए हैं, पुनः चुने गए हैं, पहले भी यही थे अब भी यही है। ठीक, माइकल देवव्रत पात्रा, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं 15 जनवरी 2020 को। एपी महेश्वरी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक चुने गए हैं डीजी 13 जनवरी 2020 को। चंद्रमा साहा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान
प्रोफेसर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी IINSA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। याद रखिए, पहली महिला अध्यक्ष जनवरी 2020 में। हर्षवर्धन सिंगला, ये देश के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 29 जनवरी 2020 को। लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 25 जनवरी 2020 को। 25 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति अमर मनोहर सप्रे, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सड़क सुरक्षा पर उच्च न्यायालय की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कब हुआ है? 14 जनवरी 2020 को। संगीता रेड्डी वर्ष 2019-20 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की की अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। कौन से? संगीता रेड्डी, दिसंबर 2019 में। सौम्या रॉय बर्मन, भारतीय नागरिक लेखा सेवा की वरिष्ठ अधिकारी, देश की 24वीं महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में पदभार ग्रहण संभाला इन्होंने 1 दिसंबर 2019 को। न्यायमूर्ति NV रमना, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है दिसंबर 2019 में। अरविंद सिंह, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है 6 नवंबर 2019 को। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, SOCHM इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है 23 दिसंबर 2019 को। दिनेश्वर शर्मा, लक्षद्वीप के नए प्रशासक का पदभार इन्होंने संभाला है 3 नवंबर 2019 को। कहां? लक्षद्वीप। पंकज कुमार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि के नए मुख्य अधिकारी यानी कि CEO चुने गए 23 अक्टूबर 2019 पंकज कुमार, ठीक है। रजनीश कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए 18 अक्टूबर 2019 को। अनूप कुमार सिंह, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक DG नियुक्त किए गए 18 अक्टूबर 2019 को। के सतीश रेड्डी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के अध्यक्ष वर्ष 2019-21 के लिए नए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस IBA के अध्यक्ष चुने गए हैं के सतीश रेड्डी 10 अक्टूबर 2019 को। न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने हैं। तो ये न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी लोकायुक्त चुने गए हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के लोकपाल का गठन किया गया है, तो पहले लोकपाल आपके कौन थे आपको नीचे लिखना है, और ये हमेशा एक तरह से GK का क्वेश्चन भी बन जाता है कि पहले लोकपाल कौन थे, तो नीचे आप लोग सर्च करके लिखिए, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह की सामान्य घटनाएं आप लोग याद रखा करिएगा थोड़ा, और अगर पूछता हूं तो सर्च करके नीचे लिख लिया करिएगा, इससे क्या रहता है कि याद बना रहता है। और ठीक है, इंटरव्यू में अगर पहुंच रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता। बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार इन्होंने संभाला है 11 सितंबर 2019 को। कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल का पदभार इन्होंने संभाला है 9 सितंबर 2019 को। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन, ये तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार इन्होंने संभाला है 8 सितंबर 2019 को। अजय कुमार भल्ला, देश के नए गृह सचिव हैं, 22 अगस्त 2019 को इन्होंने पदभार संभाला है। डॉक्टर अजय कुमार, देश के नए रक्षा सचिव हैं, 21 अगस्त 2019 को इन्होंने अपना पद संभाला है। अब अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति भी देख लेते हैं। नीलकंठ भानु प्रकाश, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये 15 अगस्त 2020 की बात है। अर्चना सोरेंग, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है। किन्हें? अर्चना सोरेंग को, ठीक है, जुलाई 2020 में। एम नेत्रा, तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा, विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गुड विल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखने एम नेत्रा को, ये जून 2020 की बात है। शोभा शेखर, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। किसे? शोभा शेखर को। थंगजाम धवाली सिंह, मणिपुर के चिकित्सक और जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किए जाने की घोषणा की है, ठीक है ना, अप्रैल 2020। जोया खान, गुजरात के बड़ौदा जिले से कॉमन सर्विस सेंटर की देश की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है जोया खान।
पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जून 2020 में। जिया राय नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई की छठी कक्षा की छात्राएं खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बनी है 15 फरवरी 2020 को। देखिए आप सोचिए कि किसी में अगर कोई कमी है, दिव्यांग है, विकलांग है, तो उसमें भगवान इस तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से अच्छा ही देता है। आप मैंने एक मतलब मैंने विकलांग एक मेरे पहचान में है एक व्यक्ति को, तो आप सोचिए अगर वो पकड़ ले आपको तो आप छूट नहीं सकते हैं, इतना मतलब तगड़े से पकड़ता है। और आप सोचिए कि ये एक तो दोनों पैर से विकलांग है, वो हर कुछ कर लेता है, फोर व्हीलर चला लेता है, आप सोचिए कि गाड़ी तो उसके लिए स्पेशल आती है वो चलाता है, ट्रैक्टर फैक्टर हर कुछ। तो आप समझिए कि हम लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी वो लोग कर देते हैं, तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की वो है। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल में कक्षा सातवीं की छात्रा है। अर्जेंटीना स्थित माउंट अकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की यानी कि इनकी 12 साल की हैं पर्वतरोही बन गई हैं, ठीक है, फरवरी 2020 में। सुचेता सतीश 13 वर्षीय भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है इन्होंने, 120 भाषाओं में गा सकती हैं। आप समझिए कि यहाँ आप लोगों को एक दो भाषाओं में प्रॉब्लम होने लगती है, 120 भाषाओं में गा सकती हैं, जनवरी 2020 की बात है, सुचेता सतीश। फिर आप देखेंगे आगे कैप्टन तानिया सेरगिल 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर परेड में पुरुषों के सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है 15 जनवरी 2020 को, कैप्टन तानिया सेरगिल। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी मुजफ्फरपुर बिहार की शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है 2 दिसंबर 2019 को, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। अब समझिए आप लोग की महिलाएं या लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, वो समय खत्म हो गया, समझ रहे हैं। अगर अभी भी आप देखिए कोई भी टॉपर उठा के यूपीएससी पर यूपीपीसीएस चाहे एमपीपीएससी कोई भी यही टॉप है। देखिए जो पढ़ रहा है, अब जो नहीं पढ़ रहा है उसका तो ऊपर वाला उद्धार कर सकता है, और जो पढ़ता है अभी देखिए आप लोगों ने यूपी में मैं ऐसे ही पढ़ रहा था न्यूज पेपर, यूपी पुलिस में आप सोचिए कि 3 बार लड़कियों को मौका दिया गया कि 3 बार सीटें कम, पहले नंबर ज्यादा पे उठाई गई लिस्ट, फिर कम किए गए, फिर कम किए गए, फिर भी सीटें खाली गई, तो जो लड़कियों ने पेपर दिया था वो अच्छे से थोड़ा ही पढ़ा था उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो आप देखिए जो नहीं हो रहा है जिनका सिलेक्शन, और जो दूसरे पर एक तरह से कमी डालती रहती है, अब कुछ भी करती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ईमानदारी से अपने अगर माँ बाप परिवार अपने मतलब देखिए हर लड़कियों लड़की अगर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आराम से सिलेक्शन हो जाता है। खैर छोड़िए ये सब मैटर अलग है। जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित नवंबर 2019 विगत 100 वर्षों में वह इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक है। विराट कोहली प्रसिद्ध क्रिकेटर पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 नामित किए गए हैं, कब, 20 नवंबर 2019 को। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षा है। अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की पहली भारतीय मानस न्यासी नामित की गई 12 नवंबर 2019 को। रजनीकांत आपने सुना होगा ना, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता 50वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2019 में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किए गए। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार तमिलनाडु में कहीं रजनीकांत को मतलब आप सोचिए उस मूवी में मर जाते हैं तो वहां थिएटर मीटर जला दिए जाते हैं, कहते हैं कि रजनीकांत मर कैसे सकते हैं, तो इतनी चाहत आप सोचिए रहते हैं फेमस हैं। भारत की लक्ष्मी पहल की एम्बेसडर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपा पादुकोण एवं प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आप समझिए कि भारत की पहली लक्ष्मी पहल की एम्बेसडर चुनी गई 22 अक्टूबर 2019 को। देखिए मुझे लगता है ऐसा आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अब आपने देखिए अभी आपने देखा है कि बॉलीवुड में किस तरह से ये चलन दरक सका, आप सोचिए नशेड़ियों का गजेड़ियों का बन चुका है, उसे आप में से कई लोग आप सोचिए उन्हें आइकॉन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और वो ही इस तरह के काम कर रहे हैं, समझिए वही काम जैसे मैं हूं, तो आप सोचिए मैं सोच के भी अपने किसी गलत रास्तों पर नहीं चल सकता क्योंकि मेरे बाद अगर कोई मुझे
आप सोचिए, बच्चे हैं या मेरे घर में कोई भी है, मेरे भाई बहन कोई भी, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? अगर मैं गलत हूं तो उन पर गलत असर पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इन्हें नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मेरे हीरो या आपके हीरो जो आपके सैनिक बॉर्डर पर हैं या किसानों को आप लोग अपना हीरो मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मेहनत करते हैं और असली में हमारे घर पिताजी या माँ, ये लोग हमारे लिए हीरो हैं। ये तो इनकी औकात क्या है एक तरह से, आप खुद सोचिए। तो इसे इन्हें अपना आदर्श कभी मत मानिए, अपने माँ बाप को मान लिया करेगा और अपने उन्हें जो बॉर्डर पर आपकी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। इन नेताओं की क्या औकात है? नेताओं और अभिनेताओं को हम लोगों ने चुना है और हम ही लोगों को लूट रहे हैं लोग, ठीक है। अगर हम लोग इन्हें, आप सोचिए, वोट ना दें नेताओं को, अभिनेताओं की अगर मूवी ना देखेंगे, साले रोड पर आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, इनकी कोई औकात कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अपने अपना काम से मतलब रखा करिएगा, क्योंकि कोई कई लोगों को देखता हूँ कि इन्हें अपना आइकॉन लिखने लगते हैं, आदर्श मानने लगते हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल, रासायनिक तत्वों की अवसारणी में के 118 तत्वों की सबसे कम समय 2 मिनट 49 सेकंड में व्यवस्थित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है 27 सितंबर 2019 को। ऐसा करने वाली यह विश्व की पहली महिला बनी है। कौन? प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल, ठीक है। पायल जांगिड, ये राजस्थान की बाल अधिकार कार्यकर्ती, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित की गई 24 सितंबर 2019 को। विंग कमांडर अंजलि सिंह, विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है 20 सितंबर 2019 को। आनंद कुमार, IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्था सुपर 30 के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और अमेरिकी संगठन फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस द्वारा द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किए गए हैं सितंबर 2019 में। अब आपको अगर देखिए आइकॉन मानना है, आपको आदर्श मानना है, तो ऐसे लोगों को मानिए ना। आनंद कुमार के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, दुनिया जानती है आनंद कुमार के बारे में, कितनी मेहनत करते हैं छात्रों के लिए, आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं। तो इन्हें मानिए जो एक तरह से अपनी मेहनत पर उठ के खड़े हुए हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों की बात करें जिनकी डेथ हुई है, तो निशिकांत कामत, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशन का निधन हुआ है 17 अगस्त 2020 को। डॉक्टर राहत इंदौरी, प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार का निधन हुआ है 11 अगस्त 2020 को। आप लोग इनकी शायरी भी सुनते रहते होंगे। तो शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है 5 अगस्त 2020 को। इब्राहिम अलकाजी, प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और शिक्षाविद का निधन हुआ है 4 अगस्त 2020 को। तो ये डेट भी याद रख सकते हैं आप, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था इसे जरूर याद रखिएगा। मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। कमल रानी वरुण, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है 2 अगस्त 2020 को। अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य का सिंगापुर में निधन हो गया 1 अगस्त 2020 को। इनके आप लोगों कई किस्से कहानी सुनते रहते हैं, यूपी में आप लोग जानते होंगे। राम डी प्रधान, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है 31 जुलाई 2020 को। कुमकुम, बीते जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ है 28 जुलाई 2020 को। रावी कोंडाला राव, प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, लेखक, निर्देशन और निर्माता का निधन हुआ है 28 जुलाई 2020 को। अमाला अमाला शंकर, प्रसिद्ध नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का निधन हुआ है 24 जुलाई 2020 को। प्रोफेसर CS शेषाद्री, ए प्रसिद्ध गणितज्ञ का चेन्नई में निधन हो गया है 17 जुलाई 2020 को। तो याद रखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नीला सत्यनारायण, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त का निधन हुआ है 16 जुलाई 2019 को। ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी महाराष्ट्र की। नागिन दास संघवी, प्रसिद्ध गुजराती लेखक और पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक का निधन हुआ है 12 जुलाई 2020 को। ज्योतिषना ज्योति भट्ट, ये प्रसिद्ध सिनेमेट आर्टिस्ट का निधन हुआ है 11 जुलाई 2020 को। जगदीप, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन हुआ है 8 जुलाई 2020 को। वरिष्ठ नारायण सिंह, बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ है 14 नवंबर 2019 को। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, ये लोकपाल लोकपाल सदस्य न्यायिक एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ के कारण निधन हुआ है 2 मई 2020 को। अशोक देसाई, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हुआ है 13 अप्रैल 2020 को।
आनंद मोहन जो सी गुलजार देहलवी उर्दू के प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ है 12 जून 2020 को। तो ये उर्दू के कवि थे, प्रसिद्ध कवि, ठीक है, इनका संबंध इससे था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेद प्रकाश मारवा है दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और एवं मणिपुर मिजोरम झारखंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है 5 जून 2020 को। वाजिद खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार का निधन हुआ है 31 मई 2020 को। बैजान दारूवाला प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी का निधन हुआ है 29 मई 2020 को। देवानंद कुंवर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और त्रिपुरा और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है ये 25 अप्रैल 2020 को। अधिकतर बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इनका संबंध, इनका हाल ही में डेथ हो गई, ये किससे संबंधित थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उषा गांगुली ये प्रसिद्ध रंगकर्मी का निधन से संबंधित थी, रंगकर्मी से, और इनका निधन हो गया 23 अप्रैल 2020 को। निर्मल सिंह खालसा प्रसिद्ध गुरु गुरुवाणी गायक और स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया 2 अप्रैल 2020 को। चंदन सिंह राठौर एयरवाइस मार्शल सेवानिवृत्त एवं महावीर चक्र से सम्मानित थे, इनका निधन हुआ है 29 मार्च 2020 को। उन्होंने वर्ष 1972 और 71 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। 72 का आप जानते हैं कि चीन के साथ, और 71 का जब पाकिस्तान के साथ हुआ और बांग्लादेश आजाद हुआ, ठीक है, नया राज्य राष्ट्र बना। बेनी प्रसाद वर्मा केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य का निधन हो गया 27 मार्च 2020 को। राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर का निधन हुआ है 27 मार्च 2020 को। सतीश गुजराइल प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और वास्तुकार का निधन हुआ गया है कब, 26 मार्च 2020 को। उन्हें वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अजमल सुल्तानपुरी प्रसिद्ध शायर का निधन हुआ हो गया है कब, 29 जनवरी 2020 को। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ हूं विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए वर्ष 1984 में चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई करने वाले भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर का निधन हो गया 6 जनवरी 2020 को। इन्हें मानिए, आप लोगों को आपको अपना हीरो मानना है तो आप समझिए कि बर्फ में फिर चाहे गर्मी हो, हर जगह अपनी मेहनत करते हैं, और आज वो अपनी ईमानदारी से वहां मतलब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ चैन से सो रहे हैं, समझिए। टी एन चतुर्वेदी कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निधन हुआ है 5 जनवरी 2020। नवनीता देवसेन प्रसिद्ध बंगला कवियत्री उपन्यासकार एवं कथाकार का निधन हुआ है 7 नवंबर 2019 को। अपने काव्य और कथा साहित्य नव नीता के लिए वर्ष 1999 में बांग्ला भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 2000 में पद्मश्री भी इन्हें मिला था, ठीक है। बी नानमल देश की सबसे उम्रदराज महिला योग शिक्षक का निधन हो गया 26 अक्टूबर 2019 को। आप सबसे उम्रदराज मतलब सबसे उम्र इनकी उम्र थी, योग शिक्षक कहते हैं ना कि योग करने वाले लोग ज्यादा जीते हैं। बीजू खोटे फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया 30 सितंबर 2019 को। कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी का निधन हो गया कब, 26 अगस्त 2019 को। वे 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी भी बनी थी। डीजीपी आप लोग भी इसी चाह में पढ़ते हैं, भगवान करे आप लोग भी जल्दी जल्दी पहुंच जाए। फिर आप देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को भी देख लेते हैं, इनसे भी चर्चित रहते हैं, पूछ लेता है। रॉबर्टो अजे बेडो विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है 31 अगस्त 2020 को, ठीक है। WTO आपके जितने भी संगठन है, राष्ट्रीय संगठन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, इन सब के बारे में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है। अगर फिर भी कोई छूटा है आपको लगता है तो आप बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर कर देंगे। तो इन्होंने WTO के महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। सिंजो आबे ये जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, आप लोगों को पता होगा कि 28 अगस्त 2020 को। यह देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, और सोचिए बीमार पड़ने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और अपने भारत के नेताओं को देखिए, ये क्या होते हैं कि आप सोचिए कि मौत के मुंह में जा रहे हो, फिर भी इस्तीफा क्या, गद्दी के लिए अपना संघर्ष करते रहते हैं।
एमपी के आप दिग्विजय सिंह को ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? अब अरे अब सोचिए कि मतलब एक कांग्रेस को अगर किसी ने डुबाया है तो ऐसे ही नेताओं ने डुबाया। अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, समझ रहे हैं? बूढ़ों का खत्म हो गया टाइम, आपने एक समय तक राजनीति की, आप सलाहकार बन जाइए, ठीक है? प्रीतम सिंह, भारतीय मूल के राजनीतिक, सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता चयनित हुए हैं, भारतीय मूल के, आप समझ रहे हैं? 24 अगस्त 2020 को, याद रहे कि इससे पूर्व सिंगापुर की संसद में कभी भी विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद नहीं रहा है। मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में हमारे ही यहाँ के लोग जाके राज कर रहे होंगे। आप सोचिए कई देशों में आप सुनते रहते हैं मंत्री बन गया या इस नेता की उसमें कार्यकारी में शामिल हो गए। जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी नामित किए गए हैं, तो इनके बारे में जरूर याद रखिए। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से कौन? जो बाइडेन। उन 19 अगस्त 2020 को, अभी नवंबर में पेपर वहां एक तरह से वो होना है ना चुनाव। 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं, ठीक है? कमला हैरिस, भारतीय मूल की अमेरिकी सेनेटर, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार को बाइडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई है। 11 अगस्त 2020 की बात है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई श्वेत महिला देश की किसी प्रमुख पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। आप सोचिए उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच गई है हमारे यहाँ के लोग अन्य देशों में। यदि वह उपराष्ट्रपति चुनी जाती है तो इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला होंगी और देश की पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी, समझ रहे हैं? हसन दियाब, लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने 10 अगस्त 2020 को। याद रहे कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के फलस्वरूप उपजे जन आक्रोश के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। आप सोचिए ये होता है एक तरह से, अपना सोचिए कि थोड़ा भी आंदोलन हो रहा है अगर गलती है तो इस्तीफा दे देना। आजकल हमारे देश के नेताओं को देखिए आप लोग, कट रहा हो, शहर जल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो कभी गद्दी नहीं छोड़ सकते। ली तेंग हुई, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है 30 जुलाई 2020 को। उन्होंने वर्ष 1988 से सन 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछ लेगा ताइवान के लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है। ली तेंग हुई को इनका निधन हो गया है, ठीक है? ताइवान का मुद्दा भी तो सुनते रहते होंगे। विलियम क्रिक इंग्लिश, प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया 26 जुलाई 2020 को। वह कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। उन्होंने डगलस एंगेलबर्ट के साथ कंप्यूटर माउस का विकास भी किया था। माउस आज जो भी मैं कर रहा हूं आपके, देखे ये चल रहा है उसी की बदौलत, उन्हीं की। बॉलकन बॉजकीर, तुर्की के वरिष्ठ राजनयिका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं 17 जून 2020 को। गीता राम जी, भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक, कोरोना संक्रमण से दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया 31 मार्च 2020 को। उन्होंने वर्ष 2018 में पहचान तब मिली जब उन्होंने यूरोपीय और विकासशील देशों की क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप द्वारा उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीता राम जी को। फिलिप बॉरेन एंडरसन, प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया 29 मार्च 2020 को। वर्ष 1977 में ब्रिटेन के नेविल फ्रांसिस मॉन्ट तथा अमेरिका के जॉन हस्ब्रुक बेन ब्लेक के साथ भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। श्रीकांत निवास भारतीय मूल के अमेरिकी न्यायाधीश हैं। अमेरिका के फेडरल सर्किट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसके? अमेरिका के फेडरल कोर्ट के। वह इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति भी हैं, भारतीय मूल के। लेफ्टिनेंट कमांडर करावी गोगोई, मास्को रूस स्थित भारतीय दूतावास में बतौर सहायक नेवल अताशे के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है 16 जनवरी 2020 को। वह विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी। माधुरी विजय, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका है, क्रॉस बोर्ड बुक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उन्हें यह सम्मान जम्मू कश्मीर पर लिखे उनके पहले उपन्यास
फार फील्ड के लिए दिया गया है। माधुरी विजय। कबूस बिन सईद ओमान की सुल्तान का निधन हुआ है 10 जनवरी 2020 को। वह आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे तक शासन करने वाले सुल्तान थे। कबूस बिन सईद ओमान, ठीक है। अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों की नियुक्ति की बात करें अगर हम लोग, तो कीथ क्रिस्टोफर क्रोवेल लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबेगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं 19 अगस्त 2020 को। कीथ क्रिस्टोफर क्रोवेल, ठीक है। मोहम्मद औल बिलाल मारितानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं 6 अगस्त 2020 को। वाल्टर रोजर मार्टोच रुइज पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं 6 अगस्त 2020 को। मार्क एंथनी फिलिप्स गयाना के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है 2 अगस्त 2020 को। इनमें अगर कोई देश याद रखिए चर्चा में रहता है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी और इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दुनिया में इतने देश हैं कि हर देश के बारे में जानकारी रख पाना मुश्किल है। तो इसमें यही सॉल्यूशन रहता है कि आप लोग जब भी जो भी देश चर्चा में रह रहा है उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा करिएगा। जब हम लोगों ने आपने देखा था विश्व का भूगोल हम लोगों ने कवर किया था मैप्स का पूरा मैप वाला पार्ट, तो उसमें आपने कहा था कि कौन सी झील कहाँ है इसे कैसा याद रखा जाए। तो देखिए जब भी चर्चा में रहा करें तो आप लोग उस मैप्स को जरूर देख लीजिए। और वैसे मुझे लगता है कि भूगोल आपका 70 से 75% मैप्स का ही योगदान है, तो आप अगर मैप्स के सहारा लेकर अगर किसी बात को समझते हैं तो लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। रोज क्रिस्टियन लापोंडा गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, किस कहां की गेबोन की, 16 जुलाई 2020 को। चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी भारतीय मूल के राजनेता दक्षिण अफ्रीका देश सुरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। आप समझिए राष्ट्रपति पद के रूप में पहुंच गए। एंडे डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किए गए 2020 में। मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के राजनयिक न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 7 जुलाई 2020 को। जीन कार्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है 3 जुलाई 2020 को। वैशाली मोहंती उड़ीसा में जन्मी सुश्री मोहंती संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीति अधिकारी बनी है पॉलिसी ऑफिसर 1 जुलाई 2020 को। मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है 27 जून 2020 को। मुस्तफा अल कदीमी कदीमी ये इराक के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने 7 मई 2020 को। आवास जहां भारतीय अर्थशास्त्री विश्व बैंक समूह द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किए गए हैं मई 2020 में। डेनिस समीहल यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने 4 मार्च 2020 को। सीमा वर्मा भारतीय मूल की अमेरिकी स्वास्थ्य नीति सलाहकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित ब्राइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त की गई हैं सीमा वर्मा। रितु सुनक माफ करिए ऋषि सुनक ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन की वित्त मंत्री भी बन गई हैं। आप सोचिए वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही है 13 फरवरी 2020 को। मुहिद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं 1 मार्च 2020 को। कब 1 मार्च 2020 को। ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के वित्त मंत्री देखा है, ठीक है 13 फरवरी को। सोइला बेवरमैन भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई है फरवरी 2020 में। कारमेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 15 जून 2020 को। ब्रिजेंद्र नवनीत जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं 4 जून 2020 को। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला है, ये भी याद रखना, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। अशोक माइकल पेंटो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधि US वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं 4 मई 2020 को। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं TS तिरुमूर्ति 29 अप्रैल 2020 को। डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन
अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख निदेशक नियुक्त किए गए हैं दिसंबर 2019 में। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए 28 जनवरी 2020 को। मिखाइल मिशुस्तिन रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है इन्होंने 16 जनवरी 2020 को। राफेल मारियानो ग्रोसी अर्जेंटीना की राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक का पदभार उन्होंने संभाला है, राफेल मारियानो ग्रासी ने। मासात्सुकु असाकावा एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे आप सभी को मालूम होगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार संभाला है। आप सोचिए श्रीलंका देश में ऐसा है कि अभी एक भाई प्रधानमंत्री एक भाई राष्ट्रपति है, आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब एक तरह से पूरे देश को एक देश को एक परिवार ही चला रहा है, इतना भरोसा है वहां की जनता को, समझ सकते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति निधन, तो जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हुआ 3 अगस्त 2020 को। चार्ली चार्ली डेल डेनियल्स प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार का निधन हुआ है 6 जुलाई 2020 को। जेवियर पेरिस डी कुयार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव का निधन हुआ है 5वें थे 4 मार्च 2020 को। मोहम्मद हौसनी मुबारक मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे, 1981 से 2011 तक रहे हैं, इनका निधन हो गया 25 जनवरी 2020 को। लिटिल रिचर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी गायक और संगीतकार तथा रॉक इन रोल के जनक का निधन हो गया 9 मई 2020 को। टिम ब्रुक टेलर प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है 12 अप्रैल 2020 को। रिफत चादरजी आधुनिक इराक की वास्तुकला के जनक का निधन हो गया 10 अप्रैल 2020 को। ब्रह्मा कांची बोटला प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पत्रकार का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया 6 अप्रैल 2020 को। महमूद जिब्रिल लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया 5 अप्रैल 2020 को। एडम इसले सिंगर प्रसिद्ध अमेरिकी गायक एवं ग्रैमी पुरस्कार विजेता का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया 1 अप्रैल 2020 को। मरिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया 26 मार्च 2020 को, 26 मार्च 2020 को। लैरी टेस्ला कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट कमांड की खोज करने वाली प्रसिद्ध कंप्यूटर विज्ञानी का निधन हो गया 16 फरवरी 2020 को। लैरी टेस्लर, आज आप लोग जो कट कॉपी पेस्ट कमांड की बात करते हैं ना, लैरी टेस्लर की ही देन है एक तरह से। यासो हीरो ए नाकासोन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को। सदाको ओगाटा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की पहली महिला प्रमुख का निधन हो गया है कब, 22 अक्टूबर 2019 को। जैक सिराक फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है 26 सितंबर 2019 को, 26 सितंबर 2019 को। ठीक है, ये आपके अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और भी हैं। इब्राहिम बाऊ बकर कीता पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, ये 19 अगस्त 2020 की बात है। प्रेम सिक्का भारतीय मूल के शिक्षाविद ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए हैं कब, 31 जुलाई 2020 को। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे डॉक्टर निगार जोहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है इस रूम में, वह पाकिस्तान सेना की पहली सर्जन जनरल के रूप में कार्य करेंगी, तो या तो पूछ लेगा आपसे कि ये महिला किससे संबंधित है, क्यों चर्चा में थी। अभी अधिकतर क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलते हैं कि डॉक्टर निगार जोहर अभी हाल में चर्चा में ही थी, ये किस लिए चर्चा में थी, तो याद रखना पाकिस्तान की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई जून 2020 में। अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी में से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है जून 2020 में। कैथरीन डी सुलेवन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भू विज्ञानी महासागर के सबसे गहरे ज्ञात बिंदु मैरियाने ट्रेंच के चैलेंजर डीप समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे स्थित तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है कौन, कैथरीन डी सुलेवन, जून 2020 की बात है। थॉमस थवाने लेसेथो के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है कब,
19 मई 2020 को डेरन तांग सिंगापुर के नागरिक विश्व प्रसिद्ध संपदा संगठन के नाम नए महानिदेशक चुने गए हैं। डेरन तांग ए बिप्पो के, ठीक है, 8 मई 2020 को। डॉक्टर अपर्णा माथुर अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य नियुक्त किए गए हैं अप्रैल 2020 में। वह इस परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। मनीषा सिंह भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का द्वारा आई मतलब OECD ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में प्रतिनिधि के रूप में शामिल की गई है अप्रैल 2020 में। मनीषा सिंह रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किए गए हैं अप्रैल 2020 में। डॉक्टर मैनालिनी दर्सवाल ये कोरोना वायरस जनित वैश्विक संकट और ऐसी महामारी के भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध के लिए चयनित हुए हैं अप्रैल 2020 में। आप सोचिए हमारे यहाँ के, देखिए प्रधानमंत्री बन जाता है कोई भी, आप सोचिए बिना पढ़े लिखे। अब इन्हें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक समय आप देखिए आजादी के समय के देखिए, और याद रखिए आप लोगों को बायोग्राफी सभी की कवर करवाने के लिए मेरा उद्देश्य इतना ही था कि आज के नेताओं में उस समय के नेताओं में आप लोग फर्क करना तो सीखें। आप सोचिए भीमराव अंबेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों को उस समय अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जो पढ़े लिखे थे, विदेशों से पढ़े हुए थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानिए कि भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी और आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन सभी के विचार अलग अलग थे, फिर भी मंत्रिमंडल में नेहरू की में भीमराव अंबेडकर को स्थान दिया गया। क्यों स्थान दिया गया? इसलिए स्थान दिया गया क्योंकि वे कानून के ज्ञातज्ञ थे, और संविधान उन्होंने इस तरह से बनाया कि आज सोचिए हमारा भारत एक है, वरना अंग्रेजों ने तो कई देशों ने कहा कि भारत 4 से 5 साल में कई टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन कम से कम संविधान हमारा है जो सबको जोड़े हुए है, राष्ट्रीय हिता का एक प्रतीक है, ठीक है। इस तरह आप सोचिए रघुराम राजन को हमारे देश में होना चाहिए, एक अर्थशास्त्री है, और अर्थशास्त्री बेहतर जानता है एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अभी आपने देखा है कोरोना महामारी के टाइम हमारे की, फिर चाहे अभिजीत बनर्जी हो या फिर आपके रघुराम राजन हो, अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, या चाइना फाइना, दुनिया के कोई भी देश, सभी इनकी सलाह ले रहे थे, लेकिन हमारा देश ऐसा था कि अपने ही नेता ही सलाह दे रहे थे, मतलब अपने आप को ही सलाह भगवान मान लेते हैं। हम आप में से भी तो अधिकतर लोगों को देखते हैं, जब आपके पिताजी या आपका कोई दोस्त समझाता है कि ये गलत रास्ता है तो आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आप उससे समझदार हैं। एक कहते हैं ना कि उस ओवर स्मार्टगिरी मेन आज की बर्बादी का कारण है, कि अगर कोई सामने वाला बोला है तो सुनिए ना, ठीक है, लेकिन आप सुनते नहीं। चलिए ठीक है। हरीश सालवे भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रसिद्ध विधिवेत्ता, इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महामारी के महारानी के अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं हरीश सालवे। ये 16 जनवरी 2020 की बात है। जियर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति वर्ष 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर विनया सेठी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संगठन IODA की जनरल वाइस प्रेसिडेंट चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, डॉक्टर विनया सेट्टी 2 नवंबर 2019 में। नीरज शर्मा भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता, ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफर द ईयर अवार्ड फिजिकल साइंस से सम्मानित की गई नवंबर 2020 में। कब? नवंबर 2020 में। आपने देखिए कबूस बिन सईद, पीछे आपका छोड़ चुका था कुछ, मतलब छोड़ा नहीं था कि कुछ पेज इसमें बीच में इस तरह के पैराग्राफ में दे दियो पुराना आपका, एक कबूस बिन सईद इनका ओमान के सुल्तान थे ना, इनका निधन हो गया था 10 जनवरी 2020 को। फिर वह आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान थे, उसके बाद इस पॉइंट को ले लेना। उनके निधन पर भारत ने 13 जनवरी 2020 को एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। उनके निधन के बाद उनके चचेरे भाई हैथम बिन तारिक अल सईद ने 11 जनवरी 2020 को ओमान के नए सुल्तान के रूप में शपथ भी ली है, ठीक है, क्योंकि बीच में ये पैराग्राफ दे दिए गए थे तो थोड़ा वो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्ट करते हो। मैनुअल मारेरो वर्ष 1976 के बाद क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं 21 दिसंबर 2019 को। याद रहे कि फिदेल
वर्ष 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे, बहुत लंबे समय तक, समझ सकते हैं। डॉक्टर मोनिशा घोष फेडरल संचार आयोग यानी कि FCC में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त की गई हैं दिसंबर 2019 में। इस पद पर पहुंचने वाली पहली बार पहली महिला हैं, ठीक है। एवो मोरालेस बोलीविया के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है 10 नवंबर 2019 को। उनके स्थान पर जेनेन अनेस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ए क्रिस्टीन लेगार्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व प्रबंधन निदेशक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी कि ECB की अध्यक्ष नियुक्त हुए 1 नवंबर 2019 को। और वे ECB की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है, पहली महिला, ठीक है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंक समूह की पूर्व CEO अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रबंधन निदेशक यानी कि MD के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है 1 अक्टूबर 2019 को, ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं चर्चित खेल व्यक्ति यानी कि खेल से संबंधित कुछ चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं हम लोग, ये भी आपके महत्वपूर्ण रहते हैं, इनके बारे में पूछता रहता है। ब्रायन बंधु अमेरिका के ब्रायन बंधु बोब ब्रायन और माइक ब्रायन की दिग्गज टेनिस जोड़ी ने पेशेवर करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, कब, 27 अगस्त 2020 को। इनका संबंध किससे है, पेशेवर करियर टेनिस से, ठीक है। ब्रायन बंधुओं ने करियर ने रिकॉर्ड 119 प्रतियोगिताएं जीती है। डेन ब्राओ ये T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं 26 अगस्त 2020 को। ब्रावो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2020 में त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए सेट लुसिया जोक्स के रकीम कॉर्न बॉल को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। ड्वेन ब्रावो, बढ़िया अजीब नाम है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, आप लोग जो भी आप लोग अगर क्रिकेट में संबंध रखते हैं तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे, जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 या अधिक विकेट प्राप्त करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं, ये 25 अगस्त 2020 की बात है। एंडरसन ने पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में अजहर अली की को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। टेस्ट क्रिकेट में उनसे अधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका, शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया और अनिल कोंबले हमारे भारत के लिए, ये सभी स्पिनर हैं, ठीक है। अनिल कोंबले भी इसमें शामिल है, कौन, अनिल कोंबले। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर, आप जानते हैं कि 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया 16 अगस्त 2020 को। राजनीति में आने से पूर्व क्रिकेटर करियर के दौरान उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच भी खेले। 1981 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है 15 अगस्त 2020 को। याद रहे कि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास वर्ष 2014 में ही ले लिया था, लेकिन अब वह सीमित ओवरों के प्रारूप में से भी खेल को अलविदा कह दिया है उन्होंने। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दिसंबर 2014 में खेला था। धोनी ने अपना आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला था। धोनी ने 90 टेस्ट मैचों की 144 पारियों में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए, जिनमें 6 शतक, 1 दोहरा शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 224 रन का है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में धोनी ने 350 मैचों में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए, जिनमें से 10 शतक हैं और 73 अर्धशतक शामिल हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 183 रन है, नाबाद। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में धोनी ने कुल 98 मैच के लिए और 37.6 की औसत से 1617 यानी कि 1617 रन बनाए, जिनमें से 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न 2007-08 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है 16 अगस्त 2020 को।
के एन अनंत पद्म नाभन केरल के पूर्व क्रिकेटर आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। 10 अगस्त 2020 की बात है, 10 अगस्त 2020 की बात है। अनंत पद्म नाभन अब सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के बाद के साथ इस पैनल में भारतीय एम्पायर होंगे। लोरा मार्स इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की अगस्त 2020 में। इमरान ख्वाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम चेयरमैन के रूप में कारोबार ग्रहण किया है जुलाई 2020 में। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से 1 जुलाई 2020 को इस्तीफा दे दिया था। फिर आपके लिन डान चीन के विश्व के पूर्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी, दो बार के ओलंपिक खिताब विजेता एक एवं 5 बार विश्व चैंपियन रहे। लिन डान ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है 4 जुलाई 2020 को। सुपर डैन के नाम से प्रसिद्ध इस खिलाड़ी ने वर्ष 2008 और 2012 में ओलंपिक में पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। फिर आपने सुना होगा अमित पंगल भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी नवीन रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान 1300 अंक प्राप्त किए जुलाई 2020 की बात है। गत वर्ष विश्व चैंपियनशिप तक के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पंगल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, अमित पंगल। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। 95 वर्ष की आयु में इनका डेथ हो गई, निधन हो गया 25 मई 2020 को। उन्होंने लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और कप्तान और मेलबर्न में 1956 कप्तान ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका का निर्वहन किया था। वे खेलों से संबंधित पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्मश्री 1957 से सम्मानित किया गया। कब? 1957 में। फिर आप एक नाम सुनते हैं, वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने 4 फरवरी 2020 को। उन्होंने विदर्भ की ओर से केरल के विरुद्ध खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। याद रहे कि दिसंबर 2019 में जाफर रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। फिर आपके क्रिस्टीन सेंकेलियर कनाडा की महिला फुटबॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली महिला अथवा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बनी 29 जनवरी 2020 को। क्रिस्टीन ने अमेरिका की एबी वेम बैक 184 गोल का रिकॉर्ड तोड़ यह कीर्तिमान स्थापित किया है। रानी रामपाल भारतीय महिलाओं की खिलाड़ी हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि रानी रामपाल के बारे में, ये क्या है, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, इनके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई 30 जनवरी 2020 को। याद रहे कि रानी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी है, विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी है। अब बात कर लेते हैं इन्हें, फिर बाद में हम लोग उन्हें भी जो छूट रहे हैं नीचे उससे आगे हम लोग बढ़ के काम कर लेंगे। ठीक है, अन्य चर्चित खेल व्यक्तियों की बात करें तो भास्कर मेहती भारत के पूर्व गोलकीपर एवं फुटबॉल कोच 67 की आयु में मुंबई में निधन हो गया 19 अगस्त 2020 को। भास्कर मेहती एक किससे संबंधित है, पूर्व गोलकीपर और फुटबॉल कोच है। ठीक है, ईकर कैसिलस स्पेन और रियल मैड्रिड के पूर्व दिग्गज गोलकीपर पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है 4 अगस्त 2020 को। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम सीईओ नियुक्त किए गए जुलाई 2020 में। जी आकाश भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने 4 जुलाई 2020 को। नितिन मेनन भारतीय युवा अंपायर सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंपायरों के लिए एलिट पैनल में शामिल किए हैं 29 जून 2020 की बात है। गोमती मारीमुथु भारतीय महिला के एथलीट 2019 की एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट द्वारा 4 हेतु प्रतिबंधित किया गया जून 2020 में। दीपा मलिक भारतीय महिला पैरा एथलीट है। सभी सक्रिय खेलों से संन्यास की घोषणा की है इन्होंने 11 मई 2020 को। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष नियुक्त की हुई है। तो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा कि दीपा मलिक हाल ही में चर्चा में रही, इनका किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है महिला पैरा एथलीट हैं। ठीक है, यश फाड़ते भारतीय युवा
खिलाड़ी फ्रेंच जूनियर ओपन का खिताब जीता है इन्होंने फरवरी 2020 में। पीवी सिंधु, इनको तो आप जानते होंगे, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं 22 अप्रैल 2020 को पीवी सिंधु। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में लगातार 5 अवसरों पर 50 रन या उससे अधिक की स्कोर बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बनी है, महिला या पुरुष दोनों में, ठीक है, ये पहली महिला है। और 10 फरवरी 2020 को ये कोबी ब्रायंट, ये विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पुरुष बास्केटबॉल खिलाड़ी, ब्रायंट सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, ये 26 जनवरी 2020 को। सरबजीत कौर, महिला भारोत्तोलक, राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, 7 जनवरी 2020 की बात है, नाडा ने। लियो कार्टर, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर पुरुष हैं, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बने हैं, 5 जनवरी 2020 को, तो याद रखिए लियो कार्टर, आप समझिए 6 गेंद में 6 छक्के सीधे। वही नाम बैम बैम देवी, भारतीय महिला फुटबॉलर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी 29 जनवरी 2020 को। दीपक पुनिया, भारतीय पेशेवर कुश्ती खिलाड़ी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर चुने गए, 17 दिसंबर 2019 की बात है। अर्जुन मुंडा, भारतीय राजनेता और भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, 18 जनवरी 2020 को। स्वीटी कुमारी, भारतीय रग्बी खिलाड़ी, महिला रग्बी के लिए समर्पित प्रतिष्ठान वेबसाइट स्कीम क्वींस द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी चुनी गई है, ये 30 दिसंबर 2019 की बात है। आबिद अली, पाकिस्तान क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट एवं एक दिवसीय दोनों प्रारूप से अपने पदार्पण मैचों में शतक लगाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं, 15 दिसंबर 2019। अंजलि चंद, नेपाल की महिला क्रिकेटर, नेपाल में संपन्न 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के विरुद्ध महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आप समझिए कि 6 विकेट ले लिए बिना रन दिए 2 दिसंबर 2019 को। शेफाली वर्मा, भारतीय महिला क्रिकेटर, ग्रॉस आइलेट में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेले गए T20 में 49 गेंदों पर 73 रन बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा, इनकी 15 वर्ष 285 दिन की है, खिलाड़ी पुरुष महिला बन गई है। 9 नवंबर 2019 की घटना है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 214 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया था, सचिन तेंदुलकर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। मोहम्मद हसमैन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा 19 वर्षीय खिलाड़ी बन गए हैं, 5 अक्टूबर 2019 की बात है। उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर रशीद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दीप्ति शर्मा, भारतीय महिला स्पिनर, किसी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3 मेडन ओवर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध फेंकने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी है, 24 सितंबर 2019 को। ऐश्वर्या पिस्से, भारतीय मोटरसाइकिल रेसर हैं, मोटर स्पोर्ट में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी है, 11 अगस्त 2019 को। कपिल देव, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय सोनीपत के प्रथम कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं, 14 सितंबर 2019 को ईस्ट बंगाल क्लब द्वारा भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए। कौन? कपिल देव, ठीक है, आप जानते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे आर्मर्ड डुप्लांटिक्स, पोल बॉल्ट स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 6.17 मीटर का स्थापित किया है, 8 फरवरी 2020 की बात है। पोलैंड में इंडोर मीट ओलैंड कोपरनिकस कप, आर्मन ने फ्रांस में रेनॉल्ड लेवी लेनी द्वारा वर्ष 2014 में बनाए गए 6.16 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है। और इसके बाद 15 फरवरी 2020 को ग्लासगो में आयोजित मुलर इंडोर ग्रैंड पिक्स में अपने इस रिकॉर्ड में सुधार करते हुए आर्मन ने 6.18 मीटर की ऊंचाई को सफलतापूर्वक बनाया और आगे बढ़ के इन्होंने सुधार किया है। रोहित शर्मा, भारतीय बल्लेबाज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए। मुझे तो क्रिकेट का केवी का मालूम ही नहीं है कि क्रिकेट का क्या मतलब होता है। पता है मैं कॉलेज में था जब अपने, तो किसी ने बोला कि खेलने चलना है, अब कॉलेज के दिन थे तो मैं भी पहुंच गया, तो मतलब इतनी तेज मैं गेंद मैंने कुछ नहीं, मुझे
के का भाई मालूम नहीं है क्रिकेट के क्या मतलब था, किसी को मैं नहीं जानता था क्रिकेट खिलाड़ियों को, मुझे वो उस पर पिच पर उतार दिया उन्होंने। हाँ लेकिन बचपन में बहुत गिल्ली डंडा और वो गेंदगड़ा होता है ना वो मैंने बहुत खेला, तो मैंने आँख बंद करके घाला, बल्ला घुमाया एक चौका घर गया, दूसरी बार घुमाया दूसरा चौका घर गया, सबको लगा मैं खेल लेता हूँ, मैंने वहीं अपनी इज्जत रोक दी और हम निकल आए, मतलब कि उन्हें मालूम चल जाता कि मैं नहीं खेल पाता हूँ। तो इसलिए यही है कि अगर आपकी इज्जत उठ रही है तो तुरंत छोड़ दीजिए वहां से, कि इज्जत बरकरार रखी जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंख बंद करके भी चौका दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोजर फेडर फेडरर, ये आपको परीक्षा में लेकर नहीं लगाना है, फिर आप लोग आंख बंद करके बैठे और आंसर कॉपी में आप लोग गोले भरने लग गए तो ये गलत है बात। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि वो SSC का पेपर था, वह मैं देख रहा था, तो उसमें कोई लड़का क्या करता था कि आंख बंद करके सीता के नाम पर पूरा लगा देता था, मतलब आप सोचिए कि पेपर आजकल बड़े, मतलब कई कलाकार हैं इस दुनिया में, हम आप ही कलाकार नहीं है, समझ रहे हैं। रोजर फेडर विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें आप लोग सभी लोग जानते होंगे, रोजर फेडर विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड सरकार की आधिकारिक टकसाल स्विस मेंट द्वारा फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है 2 दिसंबर 2019 को। रोजर फेडर पहले जीवित स्विस नागरिक हैं जिनके सम्मान में यह सिक्का जारी होगा। दीपक चाहर भारतीय तेज गेंदबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बने हैं 10 नवंबर 2019 को। दीपक ने नागपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध खेले गए मैच में 3.2 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। याद रहे कि यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रदर्शन है, गेंदबाजी का। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 39वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं 23 अक्टूबर 2019 को 39वें। प्रवीण कुमार बुसु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, 23 अक्टूबर 2019 की बात है। प्रवीण ने 15वीं विश्व चैंपियनशिप शंघाई चीन में पुरुष की 48 किलोग्राम भार में वर्ष स्पर्धा में फिलीपींस के रसेल डियाज को पराजित कर उपलब्धि हासिल की है। मरीकी वरवुट बेल्जियम की चैंपियनशिप पैरालंपिक एथलीट हैं, 40 वर्ष की उम्र में इच्छा मृत्यु के जरिए अपने जीवन का अंत कर लिया है 22 अक्टूबर 2019 को। वे मांसपेशियों से संबंधित रिफ्लेक्स सेंथेटिक डिस्ट्रॉफी नामक रोग से पीड़ित हैं। आप सोचिए कि अपने आप को खत्म करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। यशस्वी जायसवाल भारतीय युवा बल्लेबाज हैं, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 2000 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं 16 अक्टूबर 2019 को। विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई की ओर से 17 वर्ष 292 दिन आयु के यशस्वी ने झारखंड के विरुद्ध 154 गेंदों में 12 छक्के 17 चौके की मदद से 203 रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया। यशस्वी ने दक्षिण अफ्रीका के एलन बेरो का 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बेरो ने ये 20 वर्ष 275 दिनों में उम्र में 2000 शतक लगाया था। आप सोचिए बच्चे आजकल 17-18 साल में अपना नाम कर दे रहे हैं, हर जगह फैला दे रहे हैं, यहाँ लोग 25 से 30 साल में भी बचकाना करते रहते हैं, इसलिए मेहनत किया करेगा थोड़ा, समझ रहे हैं। लियोनल मिस्सी बार्सिलोना के कप्तान एवं स्टार फुटबॉल खिलाड़ी, स्पेन के FCC बार्सिलोना क्लब एवं अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली मेस्सी ने रिकॉर्ड 6वीं बार बेलन डी और अवार्ड जीता है 2 दिसंबर 2019 को। लगातार तीसरी बार यूरोपियन गोल्ड शू पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है 16 अक्टूबर 2019 को। यह मेस्सी का कुल 6ठा गोल्डन शू है, किस नंबर का? 6वां। सेमोन वाइज ये अमेरिकी महिला जिमनास्ट हैं, स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित विश्व आर्टिस्ट जिमनास्टिक चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक यानी कि 25 जीतने वाली जिमनास्ट बनी है 13 अक्टूबर 2019 की बात। उन्होंने बेलारूस के पुरुष जिमनास्ट विटाली सेर्बो यानी कि 23 पदक के सर्वाधिक पदक तो जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, सीमोन वाइल्स ने। कुमार संगारा आप जानते हैं कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, MCC क्लब के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है 1 अक्टूबर 2019 को।
वे एमसीसी के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। ठीक है, सेबास्टियन को ब्रिटिश राजनेता एवं पूर्व ट्रैक एंड फील्ड एथलीट अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के 4 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं 25 सितंबर 2019 को। इसके साथ ही जेमिना रे स्टेपू आईएएएफ की पहली महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं, आप सभी जानते होंगे। टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध खेली गई एकमात्र टेस्ट मैच की श्रृंखला के दौरान 20 वर्ष 390 दिन की उम्र में कप्तानी की 5 सितंबर 2019 को। याद रहे कि इससे पूर्व टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के तातेंडा ताइवू के नाम था, जिन्होंने 20 वर्ष 358 दिनों में की उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। विराट कोहली ये काफी सफल रहे, टेस्ट क्रिकेट में भारत के सफलतम कप्तान बने हैं। 3 दिसंबर 2019 की बात है, कोहली ने 3 सितंबर 2019 को समाप्त किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की है। यह उनके नेतृत्व में भारत की 48 टेस्ट मैचों में 20वीं टेस्ट विजय थी। अब तक कोहली के कप्तान के रूप में भारत को 33 टेस्ट मैचों में विजय दिला चुके हैं। आप समझिए चर्चित और काफी सफल कप्तान है। तो ये आपके कौन थे, ये आपका टॉपिक था जो 2019 18 19 20 जब भी चर्चा में व्यक्ति रहे हैं तो उनके बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, पुरस्कार देखेंगे और कोशिश यही करूंगा कि एक ही क्लास में पूरे पुरस्कार आपके सम्मान कवर हो जाए। ठीक है, ये कभी आज ही कहीं आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसके नीचे बताए क्या लिखा था, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने वो आर्टिकल लिखा था, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। तो इसलिए जिस भी उम्र में है आप लोग वैसा काम करते रहा करिएगा। ठीक है, मालूम चला आधी उम्र खत्म हो गई, उसके बाद सोचने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो मेहनत करते रहना है। चलिए मिलते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जब तक तब तक आप लोग बेहतर पढ़ाई करिए। ठीक है।